दिल्ली से हैदराबाद आने वाली दो विशेष टीम्स ने पुरानी बस्ती में अचानक जांच करवाई। सूत्रों से पता चला है तौफीक जमात नेशनल्स के साथ जिसका भी संबंध है उन 20 संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पूरी पुरानी बस्ती में पुलिस ने डेरा डाल लिया। अब ये जांच कब तक चलेगी हम कुछ कह नहीं सकते हैं। क्या हुआ? माँ को लगा मुझे पिता मिल जाएंगे इसलिए उन्होंने शादी कर ली। जब तक माँ थी उन्होंने अच्छा बर्ताव किया। उनके जाने के बाद मुझसे बदतमीजी कर रहे हैं। घर जाने से डरती हूँ लेकिन जाना पड़ेगा। मेरा कोई नहीं है। आज तो हद ही पार कर दी उन्होंने इसलिए मैं घर छोड़कर यहाँ आई। क्या कुछ दिन मैं यहाँ रह सकती हूँ? जैसे ही जॉब मिलेगी मैं चली जाऊंगी। रोशनी देने वाली आंखों को मेरे सामने रहने से कैसे मना कर सकता हूँ? तुम यहाँ रह सकती हो। बस बस खा लो। थैंक्स फॉर योर हेल्प। मेरे नाम की आवाज है यात्रा। यात्रा मेरी दुनिया में जादू करके मेरे आसपास अपनी दुनिया बना ली उसने। Your time starts now. सूर्य अगस्त कौन है? मैं ही हूँ। सर्वानंद? मैं ही हूँ। आर्या बताया था ना? आपसे मिलने से पहले मैं था सर्वानंद, उससे पहले माइकल, उससे पहले पठान। सिचुएशन के हिसाब से नाम बदलता हूँ मैं। इतने नाम? ऊपर वाला भी तो हालात और जरूरत के हिसाब से रूप बदलता है ना। आपका असली नाम क्या है? आदित्य का रूप। तो फिर मैं आपको आदित्य ही बुलाऊंगी। नाम बदलना पड़ा ऐसा कौन सा महान काम करते हो? उतने महान काम तो नहीं कर रहा लेकिन आई एम एन आर्टिस्ट। एक्टर हो? कलाकार हूँ। चोरी की कला। सारी कलाओं में सबसे पावरफुल कला यही है। इस दिमाग का सही इस्तेमाल करोगे तो जानते हो कितना आगे बढ़ोगे। सब लोग तुम पर गर्व करेंगे। मेरे साथ चलोगे? कहाँ जाना है? Hey! ये बॉटल यहां होनी चाहिए थी। यहां कैसे आ गई? पहले तुम अकेले रहते थे, अब मैं भी हूं। शायद मैंने ही हटाया हो। इसका मतलब क्या है? शुद्धों सी, बुद्धों सी, निरंजनों सी। इंसान पैदा होता है तब आजादी के साथ, होश में, बिना किसी दाग के पैदा होता है। मरने से पहले हर एक पल ऐसे जीना चाहता हूं, ये मैं खुद को याद दिलाता हूं। शादी करोगी मुझसे? बहुत खुश हूँ। I'm just happy. उस दिन मैंने उसे आखिरी बार देखा था। बीबी कहाँ है? कहाँ रहता है वो? पता नहीं। तुझे पता नहीं? तेरे लैपटॉप से बीबी को मेल कैसे गए? बोल। मैंने किसी को कोई मेल नहीं भेजे। तुमने नहीं भेजे तो फिर किसने भेजे? ये इतने सारे डेबिट और क्रेडिट कार्ड तेरे पास क्यों हैं? मैं बस व्हाइट कॉलर स्कैम्स करता हूँ सर, पर इस बॉम्ब ब्लास्ट से मेरा कोई लेना देना नहीं है। जिस दिन ये मेल्स भेजे गए थे तब मैं यात्रा के साथ केरला में था। बीबी कौन है? बोल। कौन है बीबी? कौन है बता दे। मैं नहीं जानता हूँ सर। कोर्ट और NIA ने बताया है कि ये यात्रा तुम्हारी बनाई हुई कहानी है। एक भी सबूत नहीं है कि वो असली है। मैं यकीन कैसे करूं? यकीन करोगी तभी तुम मुझे निर्दोष साबित कर पाओगी। यकीन करने का सवाल ही नहीं उठता। तुम्हारी यात्रा मेरे सामने आएगी तभी मैं मानूंगी।
मुझे यकीन है किसी दिन तो वो जरूर आएगी। जब मेरा लैपटॉप यूज किया गया था तब मैं उसके साथ केरला में था और उसकी सारी फोटोज और वीडियोस उसी के पास है। कल कोर्ट में हियरिंग है, तुम्हें टाइम देंगे या नहीं ये देखते हैं। जज साहब अंदर मीटिंग में हैं, 1 आवर वेट करना होगा। छी, तुम्हें खेलना ही नहीं आता, जानते हो कितना बैड नेम है, ये रखना था ये रख दिया। ठीक है ये ले, मैं तुझे हरा कर रहूंगा। ठीक है देखते हैं, खेलो। अरे छोटे, चेकमेट करना है क्या? अपने ऊंट से उसके हाथी को मार। काले ऊंट के सामने वाले सिपाही को एक कदम आगे बढ़ाओ। हाथी को राजा के पास हटाकर चेक कर दो। चेकमेट। मेरे साथ खेलोगे? अरे बेटी रुको। सर, वो जज साहब की पोती है, स्टेट लेवल चेस चैंपियनशिप विनर। नमस्ते सर। नमस्ते सर। नमस्ते सर। खेलो खेलो। नाटक कर सकते थे ना? मैं हारने का नाटक करता तो इसे जीतने का नाटक करना पड़ता। आदित्य, चलते हैं सर। कम। आदित्य। यात्रा को कोर्ट के सामने लाने के लिए 6 महीने का वक्त मिला है। वो आएगी तब तक मैं इंतजार के अलावा और कुछ नहीं कर सकता। दादाजी, मैं एकदम ठीक हूँ, तुम कैसी हो बेटा? एग्जाम है ना, इसलिए थोड़ी टेंशन हो रही है। टेंशन? और तुम्हें? मेरी पोती हमेशा फर्स्ट आती है। आप ऐसे ही कहते हैं, अच्छे नंबर नहीं आए तो माँ मेरी शादी करवा देंगी। तुम्हारी शादी? तुम तो अभी बहुत छोटी हो। माँ कह रही थी 21 साल की हो गई हो, अभी नहीं करोगी तो कब करोगी? 21 साल की हो गई हो तुम? देखते ही देखते समय कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। सच कहूँ बुड्ढे, खेत तो बहुत हरा भरा लग रहा है, फसल काटने का बेटा अब तुम जा, मन कर रहा है। तुम्हारे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दूंगा, एक अच्छा सा फोन खरीद लेना। ठीक है दादाजी। रुको रुको, हेलो हेलो, छी। निर्दोष साबित होकर बाहर आया है, 8 साल की सजा भुगतने के बाद भी सुधरा नहीं है। मोबाइल खरीदा, अब वो मोबाइल पे बात करेगी और उसके साथ भाग जाएगी। उसका नंबर दे, हम भी उससे मिलना चाहते हैं। समझ में आया क्या बुड्ढे? अमृता का नंबर मांग रहा हूँ। मुझे मारेगा, मुझे मारेगा बुड्ढे, मुझे मारेगा तू। अरे निकल यहाँ से, निकलो, मारामारी हो रही